रिसेंटली मैं मिलिंद नंदनवन का दौरा करके आया, और जब मैं मिलिंद नंदनवन की विजिट किया, ख़ास तौर पे रंगत, सबरी, दशरथपुर, इराटा, लॉन्ग आइलैंड एरियाज को मैं गया था, और मेरे विजिट में मैं हॉस्पिटल भी गया था। हॉस्पिटल में जाके वहाँ का जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसके बारे में जानकारी ली, मेडिसिंस के बारे में, बाकी जो जो डायलिसिस मशीन्स वगैरह हैं इसके बारे में, स्टाफ के बारे में, और पेशेंट्स को क्या क्या तरह का तकलीफ़ होता है, ये सारी जानकारी मैंने ली। साथ ही मैं काफ़ी स्कूल्स का भी मैंने विज़िट किया, मैं सबरी स्कूल गया, रंगत स्कूल गया, वहाँ पे लॉन्ग आइलैंड स्कूल गया, और जाके वहाँ के बच्चों से मिला, उनके पढ़ाई के बारे में जानकारी ली, टीचर्स से मिला, और वहाँ का जो मिड डे मील वगैरह वो सब भी देखा। तो मैंने महसूस किया कि कुछ कंप्यूटर्स की कमी है, जेरोक्स मशीन्स की कमी है, पीए सिस्टम्स की कमी है। तो जो भी मैंने महसूस किया, जिस चीज़ को मैं सोचा कि जिस चीज़ की कमी है, और वो चीज़ को मैंने एम्पीलेट फंड के द्वारा मैंने सेंक्शन किया है, और ये बहुत जल्द उन स्कूल्स को एम्पीलेट फंड के द्वारा कंप्यूटर्स, पीए सिस्टम्स और जेरोक्स मशीन वगैरह मिल जाएगा, जिससे वहाँ के बच्चों का पढ़ाई के लिए और अच्छा सुविधा उनका हो सकेगा। थैंक यू।